अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सबको मैं वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप बहरिया यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अपने डॉक्यूमेंट्स किस तरह से स्कैन करके और रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपलोड कर सकते हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम बैक। और अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं, और अगर आपको मैं बताऊँ तो एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इस जगह पे आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। और अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ से आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे, ठीक है। और उसके बाद इंस्ट्रक्शंस की अगर हम बात करें तो इंस्ट्रक्शंस में क्लियरली मेंशन है कि आपकी जो इमेज है वो एटलीस्ट 150 DPI रेजोल्यूशन होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी इस वक्त मेरे पास एक इमेज अवेलेबल है जो कि मैंने स्कैन की है कैम स्कैनर के थ्रू, और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इस इमेज की डिटेल्स वगैरह क्या है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ में जाके सबसे पहले इस इमेज का जो साइज़ है वो कुछ ये शो हो रहा है मुझे, 239 KB, ठीक है। और इस इमेज को मैं अपलोड करके आपको दिखाता हूँ, और उसके बाद फिर मज़ीद प्रोसीजर जो है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अपलोड डॉक्यूमेंट पे मैंने क्लिक किया और ये है जी मेरी मैट्रिक की मार्कशीट। अच्छा, ये सब चीज़ें तो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो जिनमें से फॉर एग्जांपल ये मैं अपलोड कर लेता हूँ। जस्ट हमने यही चेक करना है कि ये अपलोड होती हैं या नहीं होती, ठीक है। अगर अपलोड नहीं होती तो क्या इशू है। तो ये दो डॉक्यूमेंट्स मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं और इनको मैंने अपलोड सेव पे मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे क्लियरली आपको एरर शो हो रहा है कि 150 DPI रेजोल्यूशन होनी चाहिए, और अभी हमने इस इमेज का साइज़ भी चेक किया था जो कि बहुत कम था। तो अब इमेज की रेजोल्यूशन जो है वो हमने किस तरह से बढ़ानी है तो वो मैं आपको बताता हूँ। आपने सबसे पहले एक वेबसाइट ओपन करनी है। अब आपने क्या करना है कि ये वाला जो URL है convert.town/image-DPI, ये आपने टाइप करना है और आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन है चेंज द DPI ऑफ माई इमेज, मतलब आपका कोई भी डॉक्यूमेंट है उसकी आप DPI चेंज करना चाह रहे हैं। तो बहरिया यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट पे मेंशन है वो है 150, ठीक है। ये देखें यहाँ पे 150 मेंशन है, तो हम इसको कर लेते हैं 300। किसको कर लेते हैं, ये जो मैंने आपको इमेज अभी दिखाई थी जिसका जो साइज़ था वो बहुत कम था, ये वाला, ठीक है। तो इसका जो साइज़ है वो मैं क्या करता हूँ, DPI सॉरी चेंज करता हूँ। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे, अपलोड करता हूँ डॉक्यूमेंट को और ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे कि ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा DPI जो है वो बढ़ने के बाद, ठीक है। अब इसकी जो DPI है वो 300 हो चुकी है, तो मैं इसको ओपन फोल्डर कर लेता हूँ, शो इन फोल्डर। और अब अगर मैं इसकी डिटेल्स पे क्लिक करूँ और चेक करूँ कि क्या साइज़ है इसका, तो अब आप देख सकते हैं कि इसका जो साइज़ है वो 98.5 KB हो चुका है, ठीक है। जबकि पहले जो साइज़ था वो 200 समथिंग था, तो इसकी जो रेजोल्यूशन है वो अब 300 हो चुकी है। और इसी तरह से एक और डॉक्यूमेंट है, उसको भी मैं इसकी जो DPI है वो मैं चेंज कर लेता हूँ, जैसे कि ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। और इसकी भी जो DPI है वो चेंज हो चुकी है, और इसको मैं शो इन फोल्डर करता हूँ। ठीक है, दोनों की जो DPI है वो चेंज हो चुकी है, देखें 300 300। अब मैं इनको अगर अपलोड करूँगा तो कोई इशू नहीं आएगा, तो मैं इनको अपलोड करके दिखाता हूँ आपको। अपलोड डॉक्यूमेंट और फॉर्म बे मैं क्लिक कर लेता हूँ यहाँ पे, ये फॉर्म बे फॉर एग्जांपल ये फॉर्म बे ही है, ठीक है। और डाउनलोड्स में अभी मैंने ये DPI इनकी चेंज की थी, ये दो इमेजेस हैं, वन ये फ्रंट कह सकते हैं इसको और ये बैक है, डाउनलोड्स में ये वाला बैक है, ठीक है। बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों मैंने अपलोड कर दिए हैं, और अब मैं सेव के बटन पर क्लिक करता हूँ।
जैसे ही मैंने सेव के बटन पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि सक्सेस डॉक्यूमेंट हैज़ बीन अपलोडेड, मतलब कि डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड हो चुके हैं। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो फॉर्म बे मैंने सेलेक्ट किया था ये वाला, इसकी रेजोल्यूशन आप देख सकते हैं 300 DPI, 300 DPI यहाँ पे आपको शो हो रही है, फ्रंट की भी और बैक की भी। तो इस तरह से आप अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, देखें मैंने भी अपलोड किए हुए हैं, आप लोग भी इस तरह से अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं और कोई इशू नहीं आएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक कमेंट सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, ठीक है, और वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि जितने भी कैंडिडेट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं जो ये इशू फेस कर रहे हैं और यूनिवर्सिटी विजिट करना पड़ रहा है उनको, तो उनको यूनिवर्सिटी विजिट ना करना पड़े और घर बैठे ही वो ये इशू अपना रिजॉल्व करें और अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करें। मिलता हूँ आपको इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।